नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल जेपी ऑनलाइन एजुकेशन पर। आज हम उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो है तो बहुत छोटा, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जलवायु क्षेत्र से हर एग्जाम, चाहे वो UPPCS हो, BPSC हो, RO हो, UP पुलिस, रेलवे, लेखपाल, BDO, पटवारी, सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे ही पूछे आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने कृषि या सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आइए बारी बारी सबके बारे में जानते हैं। पहला है तराई क्षेत्र, और तराई क्षेत्र के अंतर्गत बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती और सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जिले के कुछ हिस्से शामिल हैं। दूसरा है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। इस क्षेत्र में बिजनौर, मुरादाबाद, ज्योतिबा फूले नगर, रामपुर, बरेली, बदायूं और पीलीभीत जिले शामिल हैं। तीसरा है मध्य पश्चिमी क्षेत्र, और इस क्षेत्र में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर जिले इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चौथा है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, और इस क्षेत्र में आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, अलीगढ़ और मथुरा जिले शामिल हैं। पांचवा है मध्य मैदानी क्षेत्र। इस क्षेत्र में राज्य के लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया, इलाहाबाद, कौसाम्बी, फतेहपुर और शाहजहाँपुर जिले शामिल हैं। छठा है बुंदेलखंड क्षेत्र, और इस क्षेत्र में झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट और बांदा जिले आते हैं। सातवां है उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, और इस क्षेत्र में गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर और देवरिया जिले शामिल हैं। आठवां है पूर्वी मैदानी क्षेत्र, और इस क्षेत्र में बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, संत रविदास नगर, गाजीपुर, बनारस और चंदौली जिले इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आखिरी और नवा है विंध्याचल क्षेत्र। इस क्षेत्र में मिर्जापुर, सोनभद्र और इलाहाबाद जिले शामिल हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।